नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग टॉप 10 न्यूज हेडलाइंस में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। हिमाचल में 6 तक बारिश का येलो अलर्ट, नदी नालों में बाढ़ आने की आशंका। मरीज की मौत पर ठियोग के विधायक राकेश सिंघा पर केस, पेयजल जल किल्लत को लेकर रोका था शिमला ठियोग हाईवे। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 की आशंका, 110 नए पॉजिटिव केस। 15 अगस्त से पहले हो सकते हैं शिमला नगर निगम चुनाव, चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा। सरकार ने किया 2 IAS अधिकारियों का तबादला, सुमित किमटा होंगे लाहौल स्पीति के नए DC। प्रतिभा सिंह बोली, पार्टी जिसे टिकट देगी सब उसके साथ चलेंगे। बाबा बर्फानी के दर्शन को निकला 6113 श्रद्धालुओं का चौथा जत्था, 11 अगस्त तक चलेगी यात्रा। कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बबली का हृदय गति रुकने से निधन। लाहौल के मियाड़ में बादल फटने से तबाही, खेतों में पानी घुसने से फसलें तबाह। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। टॉप 10 मॉर्निंग हेडलाइंस में बस इतना ही, आपसे थोड़ी देर में फिर मुलाकात होगी न्यूज बुलेटिन के साथ।